हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल सक्रानी। आई एम अ बीबीए फ्रॉम जोन 7 जोधपुर। वीवो ने रिसेंटली नए फोन लॉन्च करे हैं जिनका नाम है X50 और X50 Pro। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे X50 Pro की, देखेंगे क्या है इसमें खास और बात करेंगे इसके जिम्बल कैमरा के बारे में भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंतजार की घड़ी को खत्म करते हैं और देखते हैं इस X50 Pro के बॉक्स को। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बॉक्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे X की ब्रांडिंग है, 5G मेंशन है क्योंकि ये 5G फोन है, साइड में Vivo की ब्रांडिंग है और मेक इन इंडिया का लोगो भी है। अगर बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे अल्फा ग्रे कलर में आ रहा है विद 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्पेस। तो चलिए फाइनली अब इसकी अनबॉक्सिंग की जाए और देखा जाए यहाँ पे हेडसेट के साथ अपन को और क्या क्या आ रहा है Vivo के इस ब्रांड न्यू फोन के साथ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे है हेडसेट आपका। यहाँ पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव इनका लोगो डाल रखा है, फोटोग्राफी रीडिफाइन। अगर मैं बात करूँ बाकी एक्सेसरीज की तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपन को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले इस केस की बात करते हैं जो आपके फ़ोन को प्रोटेक्टेड रखेगा। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव केस है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे चार्जर की तो यहाँ पे आपको मिल रहा है Vivo का फ्लैश चार्जर 2.0 विच कम्स विद 33 वॉट्स। यहाँ पे मिल रहा है आपको टाइप सी का कनेक्टर, उसके साथ टाइप सी केबल भी है आपके पास। और ये आते हैं बहुत ही एक्सेप्शनल Vivo के हेडफोन्स। ये कुछ यूजर मैनुअल है और यहाँ पे आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की टाइप सी केबल। चलिए करते हैं अब इसको अनरैप, देखते हैं इसका डिज़ाइन कैसा है और इसका इन हैंड फील कैसा है। अगर मैं इन हैंड फील की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव सा लग रहा है मुझे और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है, सिर्फ 181.5 ग्राम्स का है। अगर बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पे Vivo की ब्रांडिंग भी है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसका बैक पैनल है क्योंकि ग्लास फिनिशिंग होने के बाद भी यहाँ पे AG फ्रॉस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। यहाँ पे पीछे आपको एक बहुत ही बढ़िया सा जिम्बल कैमरा भी मिल रहा है जो 48 मेगापिक्सल का है, जिसका अपर्चर सिर्फ 1.6 है। अगर फ्रंट पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे कर्व डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छोटा आपका फ्रंट कैमरा है, सिर्फ 3.96 mm का। अगर बात करें इसके टॉप व्यू की तो चौकर डिज़ाइन है और यहाँ पे 5G मेंशन कर रखा है और प्रोफेशनल फोटोग्राफी कोटेड भी कर रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये फ़ोन बूट कर दिया है, यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। काफ़ी ज़्यादा फास्ट इसका फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, बहुत ही कमाल की इसकी रिफ्रेश रेट है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्स है और टच रिस्पॉन्स 180 हर्ट्स है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसका टच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्राइट भी काफ़ी है क्योंकि यहाँ पे E3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले डाल रखा है। इसकी टिपिकल ब्राइटनेस 500 nits तक है और मैक्स टू मैक्स 800 nits तक जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन में 1300 nits तक भी इसकी ब्राइटनेस जाती है। उसके साथ आप इसका टच रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इसका टच है। काफ़ी मज़ा आ रहा है इस टच को यूज़ करने में। चलिए बात करते हैं इसके एंड्रॉयड वर्जन और इसके प्रोसेसर की। यहाँ पे अपन देख सकते हैं अबाउट फोन में एंड्रॉयड वर्जन 10 है यहाँ पे। उसके बाद इसका प्रोसेसर है 7nm का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.4 GHz है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रैम की तो यहाँ पे 8GB रैम है और UFS 2.1 ROM है, जहाँ पे इंटरनल स्पेस 256GB है। यहाँ पे अगर बात करें इसके वर्जन की तो यहाँ पे फनटच OS 10.5 आपको मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारी एक्सेप्शनल चीज़ें मिल जाएगी। बैटरी के बारे में बताना मैं भूल गया था, जबकि इसमें 4315 mAh की बैटरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस की तो गेम लवर्स बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं इसको, क्योंकि इसमें टिपिकल गेमिंग प्रोसेसर डाल रखा है। अगर गेमिंग में मैं पर्टिकुलरली पबजी की बात करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस गेम है ये, उसमें आपको HDR सपोर्ट कर जाएगा। और अगर आपको फ्रेम रेट्स एक्सट्रीम तक चाहिए तो आपको स्मूथ और बैलेंस में जाके आप फ्रेम रेट एक्सट्रीम इनेबल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके सबसे मेन हाईलाइट फीचर को, जो कि इसका कैमरा है।
इसमें फ्रंट 32 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट और क्लियर सेल्फीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अपनी। इसमें नाइट मोड तक आ तक अवेलेबल है। अगर मैं बैक कैमरा की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस करा था कि इसमें जिम्बल इनेबल्ड है जो 300% तक ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, तो जो भी ब्लॉगर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं उनको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का लेवल है वो एक बहुत ही ज्यादा हाई क्लास का मिल रहा है आपको। अगर मैं बाकी कैमरा के फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे सुपर मून मोड है जो आपको मून शूट करने में हेल्प करेगा, और यहाँ पे स्टेरी स्काई मोड है। अगर आप फोन को स्टेबल रखते हैं ट्राइपॉड की मदद से तो यहाँ पे आप स्काइज की भी शूटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइव फोटो का भी ऑप्शन है जो कि अपने आप में एक बहुत ही एक्सेप्शनल फीचर है। यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज ले रखे हैं, अगर आप देख सकते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि इसके जो फीचर्स हैं, जो फोटोज हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं इसके बैक कैमरा की। इसका बैक कैमरे का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आपको एक जिम्बल कैमरा मिल रहा है जो 48 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर सिर्फ 1.6 है। यहाँ पे आपको सोनी IMX598 सेंसर मिल रहा है। ये सेंसर काफी ज्यादा लाइट सेंसिटिव है और कम अपर्चर होने के साथ साथ इसमें जो नाइट की जो फोटोज है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल आने वाली है। अगर मैं यहाँ पे साइड कैमरे की बात करूँ तो ये 13 मेगापिक्सल का आपका प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लेंस है जो DSLR के बराबर आपको फोटोज दे सकता है पोर्ट्रेट मोड में। अगर मैं साइड कैमरा की बात करूँ तो ये 8 मेगापिक्सल का आपका सुपर मैक्रो मोड और अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा है जो आपको क्लोज शॉट्स लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसमें आपको अल्ट्रा वाइड में नाइट मोड के साथ भी आप फोटोज खींच सकते हैं। अगर मैं लास्ट कैमरे की बात करूं तो ये आपका 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस है जो आपको 5x तक ऑप्टिकल जूम देता है और 60x तक हाइपर जूम देता है। तो अगर इसके कैमरा को कंसिडर किया जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट पैकेज है, चाहे वो अल्ट्रा वाइड एंगल हो, चाहे वो मैक्रो मोड हो, चाहे वो एक्सेप्शनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्रेट में जो 13 मेगापिक्सल का जो लेंस डाल रखा है वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद अगर मेन कैमरा की बात की जाए तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही स्टेबल वीडियोस आप बना सकते हैं क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी नॉर्मल OIS की कंपैरिजन में 300% तक ज़्यादा है। तो ये था दोस्तों आपका X50 Pro जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल फ़ोन है। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये फ़ोन, इसका टच रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो यूट्यूबर्स हैं और जो गेम लवर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्रोबेबली जो इसका कैमरा है उसकी वजह से यूट्यूबर्स को और ब्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और टच रिस्पॉन्स और प्रोसेसर को अगर कंसिडर किया जाए तो गेम लवर्स आर गोना एंजॉय दिस थिंग अ लॉट। साथ ही साथ इसमें जो नाइट मोड है और प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है वो फोटोग्राफी को एक अलग डायमेंशन में लेके जा रहा है। साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा स्मूथ है और इसका डिज़ाइन तो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। जिम्बल इसको बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे लेके जा रहा है। अगर टेक्नोलॉजी के टर्म्स में देखा जाए तो बहुत दिन बाद कुछ नया आया है मार्केट में। सो इफ़ यू वांट टू प्री बुक दिस फोन, और इसके साथ साथ वीवो के एक्सक्लूसिव ईयरबड्स भी आ रहे हैं जो दो नए एक्साइटिंग कलर्स में हैं। अगर आप उन ईयरबड्स को इसके साथ बुक करते हैं जिसका नाम वीवो TWS नियो है तो आपको एक स्पेशल ऑफर भी मिलेगा। तो इस एक्सेप्शनल फ्लैगशिप स्मार्टफोन को आप अपने नियरेस्ट स्टोर से जाके बुक कर सकते हो। थैंक यू, लव इंडिया, लव वीवो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप X50 और X50 Pro के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप SMS कर सकते हैं 8955-77110 या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि d.vivo.com/vsr है।